कोरोना वायरस संक्रमण रोकने के लिए लॉकडाउन में लोगों की आवाजाही नहीं हो पा रही है। ऐसे में तय कुछ शादियां तो टाल दी गई, लेकिन कुछ शादियां लॉकडाउन में अनूठे तरीके से हो रही हैं। दूल्हा सऊदी अरब आबू धाबी में है और दुल्हन मुंबई में थी। रविवार को शाहपीर गेट इलाके में पूर्वा अब्दुल वाली गली में मोबाइल पर कॉल कनेक्ट की। नायब शहर काजी जुनैर रसुद्दीन सिद्दीकी ने निकाह पढ़ाया। पूर्वा अब्दुल वाली गली में नदीम अहमद सिद्दीकी रहते हैं। उनका बेटा वसीम अहमद सऊदी अरब में आबू धाबी में एक शॉपिंग मॉल में 5 सालों से असिस्टेंट मैनेजर है। मुंबई में मीर रोड पर रहने वाली सैयद वासी रजा की बेटी सैयद आफरीन बानो से शादी तय हुई। शादी की तारीख रविवार यानी 19 अप्रैल तय हुई थी। लॉकडाउन के कारण वसीम अहमद मेरठ नहीं आ सका। इसके चलते नदीम अहमद बेटे के साथ बारात लेकर मुंबई नहीं जा सकी। फिर तय हुआ कि मोबाइल पर कॉल कनेक्ट करके वॉइस कॉलिंग के जरिए निकाह की रस्म करा ली जाए। रविवार को मेरठ में नदीम अहमद सिद्दीकी के आवास पर नायब शहर काजी जैनुर रसुद्दीन सिद्दीकी पहुंचे। यहां 5 लोग मौजूद रहे। फोन पर एक तरफ सऊदी अरब में वसीम अहमद तथा दूसरी ओर मुंबई में सैयद वसी रजा को कनेक्ट किया। तीनों स्थानों पर बातें शुरू हुई। नायब शहर काजी ने पहले मुंबई में लड़की पक्ष के लोगों और फिर सऊदी अरब में लड़के से बात की। फिर उन्होंने निकाह पढ़ाया। इस दौरान मोबाइल ऑन रहे। निकाह पढ़ाने के साथ ही दुआ कराई गई। इस दौरान सभी ने एक दूसरे को बधाई दी। इस दौरान सैयद जमाल अहमद, हाजी अनवार अहमद, अफाक इम्तियाज, अब्दुल सत्तार आदि लोग मौजूद रहे। काजी जी, कल आपकी सरपरस्ती में एक जो है निकाह कराया गया है, क्या मामला है उसका? कैसे ऐसा ऑनलाइन निकाह, क्या आपकी सैयद में है? देखिए, कल नदीम सिद्दीकी साहब के लड़के जो सऊदी में रहते हैं वसीम, उनका निकाह होना था। कल की तारीख तय थी और इसी तरह से लड़की बम्बई में रहती है, तो उस लड़की का निकाह इन वसीम से होना था। तो आफरीन नाम है उसका, आफरीन रानी लड़की का। तो इसमें तरीका ये है शरीयत के अंदर कि अगर वकील और गवाह की आवाज़ जो शख्स वो बोल रही है, अगर उसका कुछ तजवीज कर दे कि हाँ ये जो बोलने वाला है ये फला ही शख्स है, तो निकाह के एक्सेप्टेंस हो जाती है। क्योंकि नदीम सिद्दीकी क्योंकि लड़का था और वो मुझसे ही मिल चुका था, तो मैं उसकी आवाज़ पहचानता था, तो उसलिए मैंने उसकी तरफ से, इधर लड़की वालों की तरफ से एक वकील और दो गवाहों ने अपने बयान दिए कि हमने लड़की से इजाज़त ले ली है आफरीन से और उनका निकाह कर दिया जाए। इसलिए दो गवाह उनके शामिल थे, तो मेरी इनकी इजाज़त लेने के बाद वकील से इजाज़त ली, दो गवाहों की मौजूदगी में उधर लड़की से इजाज़त ले ली और उसके बाद उधर लड़के को बताया मैंने। लड़का कहाँ है और लड़की कहाँ है? देखिए, लड़का तो सऊदीया के अंदर है और लड़की जो है बॉम्बे में है, लेकिन मोबाइल के ज़रिए से उसका कनेक्शन हुआ और उनसे वो मेरी बातचीत कराई गई और उसकी बुनियाद पर ही एजाब कबूल कराया गया। शरीयत में इसकी के लिए इजाज़त है, ऐसा कोई बात नहीं है। बाहर से गैर मालिक के बहुत निकाह ऐसे हो चुके हैं, जैसे मैंने काफ़ी निकाह पढ़ाया ऐसे। लड़के के वालिद ने बताया कि उन्होंने जो आपको निकाह नामा का जो आपको पैसा दिया है वो आप गरीबों के लिए यूज़ करने के लिए बात कर रहे हैं। जी हाँ, मैंने वो पैसा जो है उसी वक्त मैंने इस बात का ऐलान कर दिया था कि हम रमज़ान के अंदर गरीब लोगों को किट जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये पैसा उसके अंदर हमने लगाने का ऐलान करा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नदीम अहमद सिद्दीकी है। नदीम जी, ये जो शादी हुई है आपके बेटे की, जी किस तरह से हुई है ये हमने ऑनलाइन जो कॉन्फ्रेंस होती है मोबाइल पे कॉन्फ्रेंस की, और दुबई से हमारे बेटे ने फ़ोन किया, फिर उसने बॉम्बे किया, बॉम्बे से मेरठ कॉन्फ्रेंस की। कॉन्फ्रेंस करने के बाद में नायब शहर काजी हमारे थे जो निकाह जिन्होंने पढ़ाया, उन्होंने लड़की के दो गवाह और एक वकील, उनसे ये कंफर्म किया कि आपने लड़की से इजाज़त ली, तो उन्होंने फ़ोन पर ही वॉइस के तरीके वॉइस के ज़रिए ये मालूम किया, तो तब उन्होंने वॉइस सुनवाई और लड़की से उन्होंने मालूम किया कि भाई आपका इस तरह से निकाह हो रहा है, क्या आपको कबूल है? तो लड़की ने कबूल किया, तो
तो उस पर शहर काजी ने फिर उसके बाद में लड़के से बात की, सारी जितनी भी प्रक्रिया होती हैं वो पूरी कराई, फिर शहर काजी ने वो निकाह कंप्लीट किया और फिर खुतबा हुआ, दुआ हुई उसके बाद, और शहर काजी को हमने हदिया के तौर पर 5,000 रुपये दिए थे जो हमारे शहर काजी के ही होते हैं, लेकिन उन्होंने हमसे साफ ये कह दिया कि जी ये हदिया मैं नहीं लूँगा इस वक्त, इस वक्त जो आप पैसा दे रहे हैं ये मैं गरीबों के लिए फ्री राशन बांटूंगा। अच्छा, अगर मैं बात करूं जिस तरीके से शादी हो रही है ऑनलाइन, जबकि आपके यहाँ पर ये रिवाज है क्या साइन, जब तक दोनों लड़का लड़की के साइन ना हो जाए पेपरों पर तब तक नहीं होता है, तो ऐसे कैसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बाकी शहर काजी जो है वो बताएंगे आपको, ऐसा कुछ नहीं है। अगर दो गवाह एक वकील ये तस्दीक कर देते हैं कि हाँ लड़के और लड़की ने में रजाबंदी हो गई है, हमने उनसे कंफर्म कर लिया है, तो निकाह हो जाता है। शहर काजी ने भी फोन पर मालूम करा था।